असलम एवरी वन वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिमेनिंग मसल्स ऑफ द एंटीरोट्रल वॉल ऑफ दी एबडोमिनल मसल्स बेसिकली हम लोगों ने एंटीरियर एबडोमिनल वॉल जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सो उसमें हम लोग मसल्स देखेंगे एंटीरोट्रल मसल्स ऑफ दी एबडोमिनल वॉल सो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किए थे मसल्स हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास सिक्स मसल्स होते हैं जो एंटीरोट्रल वॉल ऑफ एबडोमिन बनाते हैं थ्री मसल्स हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे रिमेनिंग थ्री मसल्स हैं हम इसमें स्टडी करेंगे हमारे पास सिक्स मसल्स होते हैं जो कि एंटीरोट्रल वॉल ऑफ एबडोमिन बनाते हैं उसमें सबसे पहले आता है इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक

विचार दी लेटर हेड एंड दी मीडियल हेड ठीक है लेटल हेड का ओरिजन होता है हमारे पास ऑन दी लेटर पार्ट ऑफ द प्यूबिक्रस्ट हमारे पास जो प्यूबिक प्यूबिक्रस्ट का लेटर पार्ट है वहाँ से लेटर हेड का ओरिजिन होता है मीडियल हेड फ्रॉम दी एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट जो एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट है वहाँ से राइज होता है मीडियल हेड और प्यूबिक uh, क्रस्ट के लेट्रल पार्ट से हमारे पास हेड हैडोराइज होता है रेक्टस एब्डोमिनस का फाइबर्स ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस रनस वर्टिकली अपवर्ड हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड फाइबर्स की डायरेक्शन होती है और इंसर्ट कहाँ पर होते हैं ऑन द फ्रंट ऑन दी फ्रंट वॉल ऑफ द थॉरक्स अलोंग दी हॉरिजोटल लाइन पासिंग लैटरली फ्रॉम द जीफॉइड प्रोसेस बेसिकली हमारे पास जो जीफॉइड प्रोसेस होता है स्टर्नम का उसके लैटरल साइड पे जो लाइन होती है हॉरीजोन्टल लाइन उसके अलोंग जो है वो थॉरक्स पे ये इंसर्ट हो जाता है ऑन दी फिफ फाइव टू सेवन कोस्टल कार्टिलेज़ ठीक है फ्रंट ऑफ द्स पे ये मसल हमारे पास इंसर्ट होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ दी ऑन इधर साइड ऑफ जीफ़ोइड प्रोसेस एंड ऑन दी फाइव टू सेवंथ कोस्टल कार्टिलेजिस नर्व सप्लाई क्या है इसकी लोअर सिक्स और दैव थोरेसिक नर्व ठीक है और थोरेसिक नर्व जो है वो इसकी नर्व सप्लाई में आती है क्रीमेस्ट्र मसल जो है वो हमारे पास लूप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है दिस कंसिस्ट ऑफ दिस मसल कंसिस्ट ऑफ मसल फैसिकुलाए इम्बार्डेड इन दी क्रीमेस्ट्रिक फेशिया बेसिकली फैसिकुलाई हमारे पास मसल फाइबर्स ही होते हैं सो so, मसल के जो फैसिकुलाए होते हैं वो एक फेशिया में क्रीमेस्ट्रिक फेशिया में इंबेडिड होते हैं और वो क्या बनाते हैं हमारे पास लूप्स बनाते हैं ठीक है सो दिस मसल इज कंसिस्ट ऑफ सुपरफिशियल लूप एंड द डीप लूप क्रीमेस्ट्रिक मसल के लूप बन जाते हैं सुपरफिशियल एंड डीप लूप सो हम उन लूप्स की अटैचमेंट्स देखेंगे हमारे पास इसका ओरिजिन इंसर्शन यही होता है मीन एक साइड पर इसका सुपरफिशियल लूप अटैच होता है और दूसरी साइड पर इसका डीप लूप अटैच होता है सुपरफिशियल लूप जो है वो हमारे पास अटैच होता है फ्रॉम द मिडल वन थर्ड ऑफ द अपर सरफेस इंग्वाइनल लिगामेंट इंग्वाइनल लिगामेंट की जो अपर सरफेस है उसका भी जो हमारे पास मिडल वन थर्ड है वहाँ पर इसकी अटैचमेंट होती है जो डीप लूप है वो हमारे पास अटैच होता है प्यूबिक प्यूबिक एंड दी कंजॉइंट टेंडन हमारे पास प्यूबिक क्रस्ट और प्यूबिक ट्यूबर्कल का तो हमें आइडिया है बट कन्जॉइंट टेंडन हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में ये क्या होता है सम फाइबर्स फ्यू फाइबर्स ऑफ दी इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एबडोमिनस जो है वो एक हमारे पास क्या करते हैं जॉइन करके एक टेंडन बना देते हैं ठीक है किस कौन कौन से वो दो मसल हैं इंटरनल ऑब्लिक एंड एंडी ट्रांसफर्स एब्डोमिनस के जो फाइबर्स हैं वो ओवरलैप करके एक टेंडन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं कंजॉइंट टेंडन उस कंजॉइंट टेंडन पे फर्दर हमारे पास क्रीमैस्ट्रिक मसल का जो डीप लूप है वो अटैच होता है और इट दिस मसल इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल एंड फ्यू फाइबर्स इन द फीमेल फीमेल में इस मसल के फ्यू फाइबर्स होते हैं मेनली ये हमारे पास मेल में प्रेजेंट होता है नर्व सप्लाई इसकी क्या है जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटो फिमोरल नर्व विच इज दी एल वन ठीक है जेनिटल ब्रांच है जेनिटो फिमोरल नर्व की सो so ये सप्लाई करती है क्रीमास्टर मसल को नेक्स्ट आप देते है हमारे पास पायरामिडालिस मसल पायरामिडालिस नेम से पायरामिड शो कर रहा है सो so ये क्या है स्मॉल ट्राइंगुलर मसल है रियोडीमेंट्री इन ह्यूमन बींग्स मतलब ये इतना ट्रू नहीं होता र्यूडिमेंट्री होता है इन ह्यूमन बींग्स और इसकी शेप कैसी है हमारे पास ट्राइंगर शेप है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस प्यूबिस की जो इंटीरियर सरफेस है वहाँ से ही अराइज होगा और इसके फाइबर्स क्या करते हैं अपवर्ड एंड मीडियली जाते हैं पास अपवर्ड एंड मीडियली और क्या करते हैं इंसर्ट हो जाते हैं एट दी लीनिया एल्बा ठीक है लीनिया एल्बा पर इसका इंसर्शन होता है ओरिजन होता है फ्रॉम द इंटीरियर सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस और फाइबर्स की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड एंड मीडियली नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी नर्व फ्लाई नर्व प्लाई सी क्या है सब कोस्टल नर्व मीन कोस्टल के बिलो सो so वो कौन सी नर्व होती है टी ट्वेल्व ठीक है टी ट्वेल्व जो है वो इसकी नर्व फ्लाई है पायरा की सो so हमने देख लिया रेक्टिस डोमिनस को क्रीमैस्टर को एंड पायरा ये थे हमारे पास रिमेनिंग मसल्स होती है एंटीरोट्रोल वॉल ऑफ दी एबडोमिन इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग